हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीएससीईटी की गाइस जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स है वो तो अब जो है वो रिलीज हो चुकी है और जल्दी जो एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट की जाने वाली है। बट अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस वीडियो में गाइस मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही होती है। क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे एग्जामिनेशन देने के लिए। तो कहाँ पे गाइस ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है और कब तक डेट्स आ सकते, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो बता देता हूँ और फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको जो अपडेट्स है वो चेक करना है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें तो अगर गाइस हम पिछले साल की डेट्स देखते हैं तो पिछले गाइस 17/3 को जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुई थी। बट इस बार ऐसा जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन है वो मार्च महीने में कंडक्ट की जाने वाली, ऐसी जो हमें जो टेंटेटिव डेट्स है वो मिल चुकी है पहले से ही। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है जल्दी स्टार्ट होगी। तो कब तक स्टार्ट हो सकती है, तो गाइस जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो एकदम जनवरी के एंडिंग में तो स्टार्ट होती है, या फिर जो फरवरी की स्टार्टिंग है गाइस यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो सकती है। मेनली जनवरी के एंडिंग या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है एमसीए की वो लाइव देखने को मिलेगी और फिर हम जो है वो फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। जैसे अभी टेंटेटिव डेट्स है गाइस एमसीए की जो कि है 25 मार्च, तो हो सकता है गाइस अगर 25 मार्च फाइनल डेट हो जाती है, क्योंकि अभी तक टेंटेटिव डेट्स है, जैसे ही ये डेट फाइनलाइज हो जाएगी तो समझ लेना अगर 25 को एग्ज़ाम है तो 15 तारीख को आपकी जो हॉल टिकट वगैरह है वो आ जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अगर जनवरी के एंडिंग में या फिर फरवरी के एकदम स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है तो आपको फेब के 15-20 दिन जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसी होती है डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा जो वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना होता है, कौन सी स्टेप्स फॉलो करना होता है, तो उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। बस आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट्स है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये गाइस पिछले साल की वेबसाइट, पिछले साल के वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको कुछ जो अपडेट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। इन अपडेट्स में गाइस सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो दी हुई है और इस बार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रहने वाली है गाइस ये, इसकी जो लिंक है वो मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक गाइस ये जो वेबसाइट है फुल्ली अपडेटेड नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे मतलब एक जो वेब लैंडिंग पेज है वो बन चुका है और यहाँ पे कुछ जो अपडेट्स है वो आए हैं, जैसे सिलेबस अपडेट्स वगैरह, बाकी सारी जो चीज़ है वो अपडेट हुई है। बट अगर हम यहाँ पे एमसीए पे जो है वो क्लिक करते हैं तो अभी तक जो पेजेस वगैरह वो लोड नहीं हो रहे। ठीक है, तो अभी भी वेबसाइट के ऊपर जो काम है वो शुरू है, कुछ ही दिनों में हो सकता है इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाए। और जिस भी दिन का इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं उसी दिन या फिर अगले दिन आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कौन सी स्टेप्स फॉलो करना है, कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है, इसके ऊपर डिटेल में आपको जो वीडियो है वो दे दूंगा, जिससे आपको घर बैठे आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। ठीक है, साथ ही में जैसे एमसीए की एग्जामिनेशन हो जाती है उसके बाद जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होती है, कॉलेज के लिए अप्लाई कैसे करना, उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जो प्रोसेस है वो आपको मेरे चैनल पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि सारे जो अपडेट्स है एमसीए से रिलेटेड वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने की है, तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा और मेनली जनवरी के एंडिंग या फिर फेब के स्टार्टिंग में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर कोई भी इसमें जो डिले या फिर जो स्केड्यूल है वो अपडेट नहीं होता है तो। क्योंकि ऐसा हमने देखा है पिछले बार भी कि जो डेट्स है वो एक्सटेंड हुई थी, बट इस बार ऐसा लग नहीं रहा है कि डेट एक्सटेंड होगी। अगर होती है तो फिर वो जो स्केड्यूल है वो चेंज हो सकता है, वरना तो फिर जो है वो एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो यही रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।